ये वाला रुक जाओ। हेलो रुकना नहीं, जैसे ही आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। तो हम पहुंच गए हैं अपने इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर की रिवीजन के सेकंड पार्ट पर। पिछली क्लास के अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपका पेपर का फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था, उसको हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम अपना जो पार्ट बी है इस पेपर का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो और आने वाली वीडियोस के अंदर हम बिजनेस के और अकाउंट्स के भी सैंपल पर सॉल्व करेंगे, और साथ साथ फिर आपकी जो एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है उसके पे हम चलेंगे। लेकिन आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपके इस सैंपल पेपर का सेकंड पार्ट है, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे पेपर को, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट को, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर के सेकंड पार्ट को, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। ठीक है? तो हमारा इसमें 17 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लास तक, और आज हमारे पास स्टार्ट हो रहा है इंडियन डेवलपमेंट के पार्ट से क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर 1991 एक्नॉलेज्ड फॉर हिज कैपेबिलिटीज टू स्टीयर अवे द इकोनॉमिक क्राइसिस लूमिंग लार्ज ऑन द अर्सवाइल इंडियन इकोनॉमी। मींस उस वक्त 1991 में जब हमारे देश के ऊपर क्राइसिस आया था, तो रिफॉर्म्स किए गए थे। तो कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस 91 में जिन्होंने इस भारत को, इंडिया को क्राइसिस से बाहर निकाला था? चार ऑप्शंस हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या डॉक्टर उर्जित पटेल। आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो कि उर्जित पटेल नहीं हो सकते या सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हो सकते, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए, आपके रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में है, कि उस वक्त इंडिया को क्राइसिस से बाहर निकालने वाले हमारे पुराने, अभी पिछले प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। और रिफॉर्म्स कौन से? एलपीजी के आपने पढ़े थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इस देश को क्राइसिस से बाहर निकाला था। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन मार्कर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के अंदर यह था कि हमारी पॉपुलेशन 1911 से लेकर 1921 के बीच में जब 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट की, तुम्हारी पॉपुलेशन एक्चुअल में कम हो गई। तो इससे पता लगता है कि 1991 के बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इट इज अनस्टॉपेबल, इसीलिए उसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। लेकिन हमें यहां पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेज में एंटर किया था 1921 ईयर के बाद, तो वो स्टेज हमारे पास है सेकेंड। तो इंडिया एंटर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। ठीक है ना? ये आपके दो वन मार्कर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे अजर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। उस assertion reason में आपके दो options हैं, दोनों में से एक करना है, लेकिन हम यहां पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या हुआ, एक स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट का एक रीजन दे रखा है, आपको बताना है कि वो रीजन सही है, गलत है, क्या है। तो किस तरह से क्वेश्चन है, देखो, एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसको assertion बोला गया, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर्स एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। एक है स्टेटमेंट थी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स और क्राफ्ट गुड्स जो ब्रिटेन में बन रहे थे। ये बात सच्चाई है,
ये assertion है, statement है, लेकिन इस reason लिखा हुआ है, reason ये लिखा हुआ है कि restrictive policies of commodities production trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure composition and volume of India's foreign trade. reason क्या लिखा हुआ है कि जो उस वक्त जो policies थी ब्रिटेन की इंडिया के अंदर, जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कि ये नहीं बना सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही थी, जिसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, वॉल्यूम है, वो काफी हद तक असर पड़ा था, काफी हद तक इफेक्ट पड़ा था. आपको चार ऑप्शन ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं. पहला ऑप्शन ये है बोथ कि एजर्शन ए यानी कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब दोनों ट्रू हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड जो रीजन है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बी ऑप्शन में कि assertion रीजन सही है पर रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब दोनों ऑप्शन में क्या है कि assertion रीजन सही है लेकिन रीजन पहले वाले ऑप्शन में है कि रीजन सही है और दूसरे वाले में ऑप्शन में कि रीजन सही नहीं है. सी ऑप्शन है कि assertion सही है रीजन गलत है और फोर्थ ऑप्शन है कि assertion गलत है रीजन सही है. अब आपको इसमें पहचानना है कि चारों में से क्या चीज है कि assertion रीजन दोनों ठीक है या assertion ठीक है या रीजन ठीक है क्या गलत है आपको ये पहचानना है. तो assertion क्या था, स्टेटमेंट क्या थी कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर भी बन गया फिनिश गुड्स का, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है और सच्चाई है. रीजन भी, रीजन अलग एक दे रखा है कि पॉलिसीज जो थी उसकी वजह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड काफी असर पड़ा था. अब बताना है आपको कि क्या सही है या नहीं है. देखो assertion अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, सही assertion भी है सही रीजन भी है, यानी गड़बड़ नहीं है, यानी कि इसमें से assertion रीजन दोनों ट्रू है, यानी कि ए और बी में से आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है और डी में लिखा हुआ है assertion फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि साफ साफ है मतलब है कि assertion रीजन दोनों ट्रू तो है लेकिन अब बताना है रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. देखो ये जो इंडिया एक्सपोर्टर बना प्राइमरी प्रोडक्ट्स का या इंपोर्टर बना फिनिश गुड्स का, ये जो है ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है रीजन दे रखा है ये सही रीजन है, बिल्कुल सही रीजन है. यही जो असर था, जो उनकी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन ट्रेड पर एक एडवर्स नेगेटिव असर पड़ा था और वही कारण था जिसकी वजह से इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने पड़ रहे थे और फिनिश गुड्स ब्रिटेन के बने हुए इंपोर्ट करने पड़े थे. तो बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और जो रीजन दे रखा है वो सही रीजन दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक ऑप्शन में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, यहां पर भी assertion रीजन दे रखा है. देखो स्टेटमेंट दे रखी है assertion की, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. स्टेटमेंट ये है कि जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने इंडिया ने लगाए थे लैंड रिफॉर्म्स के, ग्रीन रेवोल्यूशन के, उससे इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में. स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. रीजन देखो, रीजन लिखा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, कि जो लोग एग्रीकल्चर डिपेंड थे वो जितने एक्सपेक्टेड थे वो गिरे नहीं. यहां पर रीजन जो है वो अपनी जगह सही है लेकिन क्या वो इस स्टेटमेंट का रीजन है. तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा था कि assertion रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. बी ऑप्शन है कि assertion रीजन दोनों ट्रू है और रीजन आर एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी ऑप्शन है कि assertion ट्रू है पर रीजन फॉल्स है और डी ऑप्शन है कि assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है. अब इसके अंदर assertion अपनी जगह सही है कि हाँ जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी लैंड रिफॉर्म रेवोल्यूशन की उससे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और रीजन अपनी जगह है कि लोगों की जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर की वो उतनी नहीं गिरी जितने की गिरनी चाहिए थी, जितने एक्सपेक्टेशन थी. assertion भी ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन जो रीजन है ना वो इस assertion का एक्चुअल रीजन नहीं है, वो रीजन किसी और चीज का है. अपनी जगह रीजन किसी और चीज का है वो, लेकिन वो इस पॉलिसी का लैंड रिफॉर्म रेवोल्यूशन के जो सेल्फ सफिशिएंट बने थे उसका रीजन नहीं दे रखा. तो मतलब कि assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन जो दे रखा है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion ए की, इसलिए इसका आंसर बी है. ठीक है, तो इस तरीके से पहचानना है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. ओके, ये आपका हो गया, दोनों ऑप्शन मैंने कर दिए इस क्वेश्चन नंबर 20 के. सिमिलर क्वेश्चन आपको 21 में है, assertion रीजन दे रखे हैं लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी हो गया आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन. यहां पर भी सेम ऐसे क्वेश्चन करो, assertion दे रखा है
एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट फॉर डिस इन्वेस्टमेंट टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी हर साल सरकार जो है डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखती है कि कितना हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को शेयर्स को बेचना है या कितना प्राइवेटाइजेशन करनी है, डिस इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। रीजन ये है कि डिस इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिस इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तरीका है अपनी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस के लॉस मेकिंग कंपनीज को खत्म करने का, उनके लॉसेस को खत्म करने का। एजर्शन और रीजन में आपस में कितनी समानता है, पहला ऑप्शन है कि एजर्शन ए और रीजन ट्रू है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एजर्शन ए रीजन ट्रू है पर रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसका, या एजर्शन सही है रीजन गलत है, या डी ऑप्शन एजर्शन गलत है रीजन सही है। अब बताना इसका आंसर। इसके अंदर भी लग रहा है कि एजर्शन भी सही है, हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है मुझे इतने हजार करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। रीजन भी सही है कि डिसइन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा तरीका है इन पब्लिक एंटरप्राइजेस के लॉसेस को खत्म करने का। अब इसमें रिजर्वेशन सही है रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ लॉस खत्म करना एक टूल नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल जो है वो अपनी जगह है, पर उसका रीजन नहीं है कि सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स कर रही है इसीलिए कर रही है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज को खत्म करना है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, चाहे ONGC हो BPSL हो, इन सबको भी तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, इस पर भी तो शेयर्स इसके बेचती है, प्राइवेटाइजेशन इसकी तरफ भी तो जाती है। इसका मतलब सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनीज को खत्म करने का या इनका लॉसेस को खत्म करना ही की वजह से ही डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स किया जाता है, यह रीजन इसका गलत है। मतलब कि एजर्शन सही है रीजन सही है, पर रीजन जो सही है वो किसी और का है, इस एजर्शन का रीजन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पकड़ना है आपने, तो एजर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन जो है वो करेक्ट इंप्रेशन नहीं है इस एजर्शन की। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है। तो आपको एजर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करने हैं इस चीज को। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ये भी वन मार्कर क्वेश्चन है। फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स एंड सिस्टम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिलेवेंट फैक्ट गिवन इन कॉलम 2 अबाउट चाइना, आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चाइना के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स कॉलम 1 और कॉलम 2 में दे रखी है, आपको इसमें करेक्ट पेयर पकड़ना है, इसमें सही पेयर कौन सा है। पहला पेयर दे रखा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी कि कल्टीवेटिंग लैंड कलेक्टिवली। बी दे रखा है कम्यून सिस्टम, जिसका कॉलम 2 में दे रखा है ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम्स। सी दे रखा है प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, यानी कि स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्रीसाइड। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना इज 1988। अब इसमें से आपको कौन सा पेयर सही लग रहा है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब था जिसमें उनको कहा गया कि अपने घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड में भी इंडस्ट्रीज लगाओ, यानी कि जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो करेक्ट रीजन है वो आपका सेकंड वाला है। और जो कम्यून सिस्टम है ये रीजन है, ये इसका मतलब होता है कल्टीवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, यानी कि दोनों उल्टे एक तरफ गलत दे रखे हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द हाउसेस, और कम्यून सिस्टम का मतलब होता है कल्टीवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, यानी दोनों गलत दे रखे थे। अब आता है COD, डी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना का 1988 में, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि रिफॉर्म्स इंडिया में और पहले शुरू हुए थे, 88 में शुरू नहीं हुए थे, 83-84 में शुरू हुए थे, लेकिन जो प्रोलेटेरियन कल्चर है रिवॉल्यूशन का, इसका एक्चुअल मीनिंग यही था कि जहां पर चाइना के स्टूडेंट्स को कहा गया था टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, तो एक्चुअल आंसर यही है। तो सी पेयर इज द करेक्ट पेयर, सी का थर्ड। ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन है ए का फर्स्ट नहीं, बी का सेकंड नहीं, सी का जो थर्ड ऑप्शन है, सी का थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, दैट इज द करेक्ट पेयर। ये होगा आपका 22 क्वेश्चन नंबर। इसी तरीके का एक और 23 क्वेश्चन, डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी किसने अडॉप्ट की, इंडिया पाकिस्तान चाइना या रशिया? बहुत आसान आंसर, डायरेक्ट चाइना। चाइना के पास पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कह रखा है कि जिसके पास भी एक बच्चे से ऊपर होगा चाइना के अंदर, उसको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी या फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। तो चाइना ने ये वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन देयर कंट्री, और इसी वजह से उनकी पॉपुलेशन आज 0.6 या 0.7% ज्यादा बढ़ती है, जबकि हमारी पॉपुलेशन आज भी 1.5 या 1.4% के हिसाब से इंक्रीज करती है। तो चाइना ने ये वन चाइल्ड पॉलिसी काफी पहले शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन पे काफी कंट्रोल लगा है। हो गया 23 नंबर। अब पढ़ते हैं आगे, वन मार्कर क्वेश्चन और हैं। अब यहां पर जैसे हमने पिछले पार्ट में, पिछले ए पार्ट में पढ़ा था,
एक स्टेटमेंट, एक केस स्टडी दे रखी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल केस स्टडी है एक, वहां पे तो फिर भी एक अखबार का कटिंग थी, यहाँ पर तो एक पूरा केस स्टडी दे रखी है, और उसको पढ़ के आपको चार क्वेश्चन के आंसर है 24, 25, 26, 27 इन चारों वन मार्कर क्वेश्चन है। इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर चार क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन तक आपका एक केस स्टडी दे रखी है। इधर का सिंस एजेस फार्मर्स इन इंडिया हैव टेकन रिकोर्स टू डेट इन द अर्लियर टाइम्स द सेम वाज फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। तो ये बताया हुआ है कि बहुत समय से फार्मर्स ने एक डेट का रिकोर्स लिया है, यानी कि शुरू में ये इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर हैज एक्टिवली कम इनटू पिक्चर। यानी जहां पहले इनफॉर्मल सोर्सेज से फार्मर्स लोन लिया करते थे, उनके जगह फॉर्मल सेक्टर ने जगह ले लिया है, यानी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब ने जगह ली है और फार्मर्स यहां से लोन ले रहे हैं। फार्मर्स बोरो नॉट ओनली टू मीट द इन्वेस्टमेंट नीड बट आल्सो टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स। तो फार्मर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट नीड के लिए तो फाइनेंस लेते ही हैं, लोन लेते ही हैं, साथ साथ पर्सनल नीड्स के लिए भी उधार लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, उनके जो अनसर्टेनिटी है कि इनकम होगी या नहीं होगी, फसल उगेगी नहीं होगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, कई सारे फैक्टर जैसे क्रॉप फेलियर हो सकता है, इरेगुलर रेनफॉल, मतलब क्रॉप फेलियर किसकी वजह से, इरेगुलर रेनफॉल की वजह से, ग्राउंड वाटर टेबल यानी कि वाटर लेवल कम होता चला जा रहा है, पानी की कमी है, लोकस्ट यानी जो कीड़ा लग जाता है, पेस्ट अटैक होता है उनकी फसलों के ऊपर, ये सब कारण है जिसकी वजह से इनकम अनसर्टेन है। ये जो रीजन है पुश देम इनटू द क्लचेस ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर्स, तो इसकी वजह से इनके ये जो है प्राइवेट मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इनके ऊपर मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वेरियस गवर्नमेंट्स, इंडिया में अलग सरकारें आती रही हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीजन पे, उन्होंने डेट रिलीफ स्कीम्स शुरू की, यानी कि इनको कर्ज के जाल से हटाने के लिए कई कर्ज को हटाने, कर्ज माफी स्कीम जिसे बोलते हैं, वो कई गवर्नमेंट ने शुरू की है। ये जो जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, ये क्विक मींस है टू एक्सट्रिकेट फार्मर्स फ्रॉम द इंडेबटनेस, उनको कर्ज के जाल से निकालना मकसद है सरकार का, जिससे कि अपनी कैपेसिटी को वापस ला सके इन्वेस्ट करना और प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी जो फार्मर्स की मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको कम करना मकसद है इस कर्ज माफी स्कीम्स के अंदर। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सच डेट रिलीफ, जो डेट रिलीफ स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू कर रही है, इस पर एक बहुत डिबेट चलती आ रही है इकोनॉमिस्ट के अंदर कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके खर्चे सरकार को कितने पड़ते हैं, बेनिफिट्स कितना मिलता है इनको। ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये स्कीम्स जो हैं ये बेनिफिशियल हैं पुअर और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए, जो छोटे फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कीम जो है इससे सरकार के ऊपर बर्डन, फिस्कल बर्डन, फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ता चला जाता है, और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये स्कीम्स हैं ये डेवलप द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपीटेड बेल आउट अमंग फार्मर्स के अंदर एक दिमाग में बैठ गई है कि हमें जल्दी ही इस मतलब जो भी सरकार आएगी हमें कर्ज से माफी मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कल्चर है फार्मर्स के बीच में, लोन लेने की उनकी आदत बढ़ती चली जा रही है, वापस ना देने की जो प्रवृत्ति है वो और बढ़ती चली जा रही है। अब ये पूरा एक पैराग्राफ था, इस पर हमारे पास चार क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, जो अनसर्टेनिटी है इनकम की फार्मर्स के लिए, इज मेजरली कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है, इरेगुलर रेनफॉल या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। इनकम की अनसर्टेनिटी, हमने ऊपर कारण देखे थे बहुत सारे, वो इनकम की अनसर्टेनिटी का पहला कारण था क्रॉप फेलियर ड्यू टू इरेगुलर रेनफॉल, ग्राउंड वाटर टेबल, लोकस्ट अटैक, पेस्ट अटैक। तो इसमें से एक जो रीजन दे रखा है वह इरेगुलर रेनफॉल, क्योंकि लोन की अनअवेलेबिलिटी ना होना, लोन की अवेलेबिलिटी ना होना ये कारण नहीं है अनसर्टेनिटी का, जबकि अनसर्टेन इनकम मेजर कारण है इरेगुलर रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो ये इसका इरेगुलर रेनफॉल इसका आंसर है। तो रेनफॉल ना होना की वजह से इन फार्मर्स की इनकम अनसर्टेन रहती है। 25, सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द डेट वेवर स्कीम, जो डेट वेवर स्कीम्स हैं, कर्ज माफी स्कीम्स हैं, वो बेनिफिशियल हैं पूरे मार्जिनलाइज्ड छोटे फार्मर्स, गरीब फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडेटनेस या पर्सनल एक्सपेंडिचर। किस चीज का बर्डन कम करते हैं फार्मर्स का, इंडेटनेस का या फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर का, ऑफ कोर्स कर्जे का। तो इनडेटनेस जो कर्ज का इनका, जो कर्ज का मुसीबत है, समस्याएं हैं, इसके लिए यह बर्डन को कम करती है इन फार्मर्स के लिए। 26, रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया, ये चाहे इसमें नहीं था, जो रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस डैश
RRB रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस क्रेडिट एट चीपर रेट्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस टू फार्मर्स। स्टेटमेंट यह है कि जो रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन है, यह स्टेटमेंट है। अब आगे पूछा हुआ है कौन, RRB या SIDBI, रीजनल रूरल बैंक्स या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस, यानी कि जो क्रेडिट है उधार है चीपर रेट्स पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर्स को दिया जाता है, कौन देता है, कौन कराता है, RRB या SIDBI? बिल्कुल, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है वो तो इंडस्ट्रीज के लिए करेगा ना, फार्मर्स को कम रेट पर लोन देने का काम करता है RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि जो SIDBI है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन देता है, फार्मर्स को लोन नहीं देता एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए RRB लोन देता है। इसी सीरीज में 27th क्वेश्चन जो कि है, डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से दिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट्स के लिए लोन कौन देता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि RRB एग्रीकल्चरल फार्मर्स एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फार्मर्स लोन देता है और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लैंड के डेवलपमेंट के लिए। ये आपके हो गए 1 marker 10 questions, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 3 marker और 4 marker questions की तरफ। 28th क्वेश्चन आपका आ रहा है, इंडिया हैज एमर्ज्ड एज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्गुमेंट। सो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, अब आपको स्टेटमेंट को बताना है कि सही है या गलत है, बताओ। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये बिल्कुल ठीक है, इंडिया हैज एमर्ज्ड एज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। क्यों, मेडिकल टूरिज्म मतलब है कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेन नेशनल जो हैं वो इंडिया में इलाज कराने आते हैं, सर्जरीज के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कभी किडनी का, लीवर का, वो ट्रांसप्लांट करने के लिए, डेंटल समस्याओं के लिए और कॉस्मेटिक्स केयर के लिए, इन सभी चीजों के लिए वह यहां पर जब फॉरेनर्स इलाज कराने आते हैं इसी को मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्यों यहां पर मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, इतना बड़ा हॉटस्पॉट क्यों है, क्योंकि इंडिया के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अंदर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं देश के अंदर, और जितनी मेडिकल सर्विसेज हैं वो बहुत कम कॉस्टली हैं। और देशों में, यूके में, यूएस में जब जाते हैं लोग इलाज कराने के लिए, वहां पर और ज्यादा बेटर तरीके, वो टेक्नोलॉजी हैं मानते हैं, लेकिन वहां पर बहुत महंगा पड़ता है। तो जो छोटे छोटे देश हैं वो लोग अपने देश के बजाय, जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां के लोग यूएस यूके या जाने की बजाय वो इंडिया में आना पसंद करते हैं, जहां पर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी भी हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज भी हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं और खर्चा भी कम है उन देशों, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में। तो सब कारण हो गए, इसी वजह से मेडिकल टूरिज्म देश में बढ़ रहा है, फॉरनर्स विजिट द कंट्रीज, विजिट द इंडिया फॉर मैनी मेजर सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डेंटल समस्याएं और कॉस्मेटिक्स केयर्स। इन सब के लिए कारण यही है कि हेल्थ सर्विसेज इंडिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, मेडिकल सर्विसेज लेस कॉस्टली भी हैं एज कंपेयर टू वेरी डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये इस स्टेटमेंट को हम डिफेंड करते हैं, मानते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका एक ऑप्शन भी दे रखा है, डिस्कस टू स्टेप्स, दो स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद से एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले मार्केट को रेगुलेट किया, मार्केट में जैसे कि एक वो सिस्टम बना दिया कि अब ये एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी देखती है कि मंडियों में, बाजार में जो काम हो रहा है उसमें किसी कंज्यूमर के साथ, किसी भी फार्मर के साथ कुछ कम नाप तोल का काम ना हो रहा हो, रूल्स बनाए गए हैं जो वजन मेजर करने वाली चीजें हैं उसको सही तरीके से बनाया जाए, किसी के साथ चीटिंग ना की जाए, तो मार्केट रेगुलेट किया गया। तो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने, तो पहला स्टेप ये उठाया कि मार्केट को रेगुलेट किया, जिससे कि फार्मर्स को फायदा मिला है और कंज्यूमर्स को भी, मतलब फार्मर्स को अच्छे रेट मिलने शुरू हुए और कंज्यूमर्स को भी महंगी चीजें मिलनी बंद हो गई। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया सरकार ने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का एक मकसद था कि
एक रोड्स रेलवेज डेवलप किया जाए, ताकि रोड्स गांव से शहरों में रोड डेवलप करना, रेलवेज को डेवलप करना ताकि नेटवर्क बिछाकर जगह जगह गांव का मतलब एग्रीकल्चर सामान शहरों तक ले जाना, शहरों से महंगा भारी सामान वो गांव तक लेके जाना, ये सब जो रेलवेज और रोड्स को डेवलप किया गया, वेयर हाउसेज गोडाउन फार्मर्स को दिए गए ताकि वो लोग अपना सामान स्टोर कर सकें, पब्लिक वेयर हाउस भी हैं प्राइवेट वेयर हाउस भी हैं, वो वेयर हाउस डेवलप किए गए ताकि फार्मर जो हैं अपनी मन मुताबिक मन अपने टाइम के हिसाब से वो सामान को बेच सकें। गोडाउन है, वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सब गए हैं, ये गवर्नमेंट ने किया इंडिपेंडेंस के बाद से, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है और मार्केट्स को रेगुलेट किया, मार्केट्स को कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने अपने हाथों में, जिसकी वजह से अब फार्मर्स को कुछ बेनिफिट मिलने शुरू हुए। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, और दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है उसमें सॉल्व कर सकते हैं। एक और थ्री मार्कर क्वेश्चन है 29, वो है कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, इसका मीनिंग बताना है और पूरा कंसेप्ट समझाना है। देखो, इनफॉर्मलाइजेशन मतलब बताया कि फॉर्मल वर्कर्स जितने थे वहां से निकलकर लोग इनफॉर्मल वर्कर्स बन रहे हैं। फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जो पेरोल पर हैं, पेरोल का मतलब हो गया जिनकी एक परमानेंट सैलरी है, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जो जॉब कर रहे हैं, जिनका पीएफ कटता है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, सारी फैसिलिटीज हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं, वो फॉर्मल वर्कर्स हैं। लेकिन इनफॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे करके देश में बढ़ता चला है, फॉर्मल वर्कर से निकल कर इनफॉर्मल वर्कर की तरफ बनते चले आ रहे हैं। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर वो वर्कर्स, इनफॉर्मलाइजेशन वो होती है, जैसे आपको डिफरेंस बताऊं तो फॉर्मल सेक्टर में वो लोग आते हैं जो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में वो लोग या वो फर्म्स जो कम से कम 10 वर्कर्स को हायर करती है। तो 10 वर्कर्स से ऊपर हायर करने वाली प्राइवेट कंपनीज और सारी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज, ये सब आती हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं बाकी सब आते हैं, यानी प्राइवेट दुकानें, दुकान छोटे बड़े जो 10 से कम लोग अपने हायर करते हैं वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। फॉर्मलाइजेशन फॉर्मल वर्कर से निकलकर जब इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जाते हैं इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। और ये शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है पिछले कई सालों में, पिछले डिकेड भी 10-15-20-25 साल की बात करते हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। तो जो इनफॉर्मल वर्कर्स लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं टोटल वर्कर्स फोर्स के अंदर, इसको इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इसका कारण ये है कि लोग अब अपना काम पसंद कर रहे हैं, जो इंडिविजुअली हैं, फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो लोग इनफॉर्मल वर्कर्स के ला रहे हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो या तो उनकी जॉब निकल रही है या फिर वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करने के बजाय धीरे धीरे करके इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ रुख करते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये हो गया मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ दिस इनफॉर्मलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अब आपके हैं 4 मार्कर के 3 क्वेश्चन है, इसको पकड़ते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस हुआ उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी एडवर्स इफेक्ट हुआ है। इसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर क्या पड़ा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, यह स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, इसके कारण है कई सारे। पहला कारण तो यह है कि जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो चाहे वो इरिगेशन मामले में हो, बिजली के मामले में हो, कहीं पर भी हो, वो लगातार सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम हुई है। ठीक, जो गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट कर रही है इन फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो लगातार रिड्यूस होता चला, चाहे वो पानी के लिए हो चाहे बिजली के लिए हो। फिर जो सब्सिडी है, सब्सिडी जो फर्टिलाइजर पर दी जाती है फार्मर्स को, वो भी लगातार कम हुई है इस रिफॉर्म्स के आने के बाद। रिफॉर्म से पहले अच्छी खासी सब्सिडी मिलती थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फार्मर्स की वो बढ़ गई है, क्योंकि फर्टिलाइजर अब महंगे मिलते हैं उनको, और खासकर इफेक्ट पड़ रहा है छोटे फार्मर्स को। छोटे फार्मर्स हैं, गरीब फार्मर्स हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फर्टिलाइजर को महंगे होने का, सब्सिडीज खत्म होने की वजह से या कम होने की वजह से। उसके बाद लिबरलाइजेशन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आया, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया, और हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम हो गई। इंपोर्ट ड्यूटीज कम होने की वजह से ये हो गया
कि अब बाहर से इंपोर्ट करना आसान हो गया। अब जब बाहर से इंपोर्ट करना आसान हो गया तो देश के जो चीजें हैं जो फार्मर्स बना रहे थे उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती चलेगी, तो वो भी असर पड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। और उसके अलावा फूड क्रॉप से निकलकर लोग अनाज बनाने की बजाय वो कैश क्रॉप्स उगाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूड क्रॉप्स तो अपने खाने के लिए हैं, जबकि कैश क्रॉप्स जो बाहर एक्सपोर्ट करने जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है उसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है, फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ गई। ये सब कारण है फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम होना जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, उसके अलावा लिबरेशन होने की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से बाहर से इंपोर्ट आ रहा है और देश में फूड ग्रेन का सामान का महंगा होता चला जा रहा है। फूड क्रॉप से लोग कैश क्रॉप्स की तरफ चलते हैं, इसका मतलब उससे फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसमें कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाया जा रहा है। तो ये कई सारे कारण है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत उसका नेगेटिव असर पड़ा है उसके ऊपर इस इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद। एक और फोर मार्कर क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन हैं, दोनों में से एक आपने करना है, मैं दोनों बता रहा हूं आपको। पहला स्टेटमेंट आपको बताना है आत्मनिर्भर भारत, जो भी लेटेस्ट एक कैंपेन चलाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हैड बीन एट द रूट्स ऑफ द इंडियन प्लानिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। देखो ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये कोई नई चीज नहीं है, सेल्फ रिलायंस ये पहले एक हमारे पास एक प्रोग्राम था, सेल्फ रिलायंस को ही आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया। सेल्फ रिलायंस को नई चीज नहीं है, सेल्फ रिलायंस आज से 30 से 35 साल पहले 40 साल पहले सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट आया था और वहीं से मतलब था कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना। जो चीजें इसका एक वर्ड आपने पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो देश में बनाया जाए, यानी हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें ताकि हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड ना रहे। स्टेटमेंट ठीक है आत्मनिर्भर भारत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है। ये स्टेटमेंट इसलिए ठीक है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट की पॉलिसी यही रही है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस कम कर दें। किन चीजों के ऊपर, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो टेक्नोलॉजी हो मशीन्स हो कैपिटल हो, हर मामले में हमें फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड ना रहे, यानी कि हम अपने देश के रिसोर्सेज डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज करें और उसमें फॉरेन की इंटरफेरेंस फॉरेन का कंपटीशन खत्म हो जाए, क्योंकि लगता था अगर हम डिपेंड रहेंगे तो हमें उनकी बातें माननी पड़ेंगी खासकर फूड ग्रेन्स के ऊपर, तो फूड सप्लाईज पर असर पड़ सकता है अगर उनकी बातें ना मानी जाए, इसीलिए उन पर डिपेंडेंस होना बंद कर दिया जाए। तो उनकी डिपेंडेंस बंद हो उनकी इंटरफेरेंस बंद हो हमारी पॉलिसी में बहुत लोग दखल ना दे, इसीलिए हमने सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट शुरू किया और वही कंसेप्ट आज आत्मनिर्भर भारत निकल के आया। तो जैसे सेल्फ रिलायंस की चीज थी सिर्फ आत्मनिर्भर भारत में है कि यहां पर भी इंडिया को हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं ताकि हमें किसी भी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े किसी भी सामान के लिए। ये हमारा है कंसेप्ट आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंस कंसेप्ट का। ऑप्शंस में है दो स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट उठाए हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 91 में हुए थे उसके अंदर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर दो कदम उठाए थे, वो दो मेजर स्टेप्स बताने हैं। उन दो स्टेप्स में पहला था उन्होंने आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। आरबीआई को पहले एक रेगुलेटर का काम दिया गया था, उसका काम बदल के फैसिलिटेटर कर दिया। पहले वो रूल बनाता था कि बैंक्स को ये करना है बैंक्स को वो करना है, लेकिन अब वो बैंक्स को आजादी दे दी गई कि तुम जिस तरीके से मर्जी काम करो, जो मर्जी इंटरेस्ट रेट फिक्स करो, जिसको मर्जी जैसे मर्जी करो, लेकिन जो रूल्स हो मतलब जो परमिशन थोड़ी सी है वो आरबीआई को फैसिलिटेट कर, मतलब आरबीआई जो मदद कर रही है इन मामलों में। तो रोल जो आरबीआई का है इट हैज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यानी फाइनेंशियल सेक्टर बैंक्स को आजादी दी गई ऑटोनॉमी दी गई कि वो लोग अपने डिसीजन खुद ले सके इंटरेस्ट के मामले में और आरबीआई पर आरबीआई इस मामले में डिस्कस मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दूसरा कदम जो फाइनेंशियल सेक्टर में उठाया था वो था प्राइवेट बैंक्स। रिफॉर्म्स के बाद जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पहले अपनी मर्जी चलती थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया गया, जिसमें HFC आया, ICICI बैंक आया, HSBC आया, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी आए और इंडियन प्राइवेट बैंक्स भी आए, जिसकी वजह से जो काम काज था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो भी इंप्रूव हो गया। तो फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स को अलाउ कर दिया गया, चाहे वो इंडियन बैंक्स हो चाहे फॉरेन बैंक्स हो, और साथ साथ आरबीआई का रोल भी इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट उठाए थे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, वो है फोर मार्कर का, वो है 32 नंबर। इसमें क्या किया गया है, इसमें इंडिया और चाइना को कंपेयर किया गया और आपको कंपेयर करना है
एक डाटा दे दिया गया है, उस डाटा के हिसाब से अब आपको इन दो चैनलों को कंपेयर करना है, ज्यादा चीज नहीं है। 1980 से 90 के 10 साल और 2015 से 17 के 3 साल, इन 10 साल और 3 साल के अंदर इंडिया में 5.7% जीडीपी थी उस वक्त, जो कि अब 7.3% हो गई। चाइना में 10.3 से 6.8 हो गई। अब ये क्या बताता है कि इंडिया ने इंप्रूवमेंट करी, जीडीपी बढ़ी, जीडीपी की परसेंटेज बढ़ी, चाइना के अंदर कम हो गई। ये डाटा दिखा रहा है कि चाइना में स्ट्रेंथ आई है, शुरू में ही आ गई थी, 80 से 90 के बीच में ही आ गई थी, बहुत अच्छी 10.3% की ग्रोथ। जब इतनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इतनी मुश्किल आ रही है उनको 5% 6% ग्रोथ रेट अचीव करना, चाइना ने उसको 10.3% तक अचीव करके दिखाया, और अब तो 6.8% के बावजूद, यानी इतना गिरावट के बावजूद भी 6.8 या 7% को वो मेंटेन कर पा रही है। कई कई बड़ी बड़ी कंट्रीज 5% मेंटेन नहीं कर पाती हैं, चाइना इतने डिक्लाइन के बाद 6.8% मेंटेन कर रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में ग्रोथ दिखाई है, 5.7 से 7.3 हुई है, इंडिया में ग्रोथ हुई है, तो इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। लेकिन जैसे पहले 5.7% थी, वो 7.3% पे आ गई, इंप्रूवमेंट हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इंडिया को अभी भी बहुत दूर जाना है, उस 10% तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना है। तो अभी हम चाइना को टक्कर देने के लायक नहीं बन पाए हैं, ये आप सब कुछ लिख सकते हो इंडिया चाइना को इस फिगर के साथ कंपेयर करते हुए। अब आते हैं हमारे पास 6 मार्क के 2 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों ऑप्शन को पकड़ते हैं। पहला पार्ट है इसका 33 क्वेश्चन के अंदर ही, फर्स्ट ऑप्शन में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 33 मार्क्स के हैं। इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन, इट लीड टू रिडक्शन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका कैरिंग कैपेसिटी का टॉपिक था, इसको आपको बताना, स्टेटमेंट को सही है गलत है रीजन के साथ। बिल्कुल देखो यहां पर लिखा हुआ है, जितने हम रिसोर्सेस निकालते हैं अगर वो रीजनरेशन ज्यादा हो जाए, यानी कि जितने रिसोर्सेज बनने में टाइम लगता है उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम रिसोर्सेज निकालते हैं, इससे एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। स्टेटमेंट बिल्कुल 101% सही है। तो एनवायरमेंट अपना जो काम है तभी कर पाएगा जब तक, जब ये जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है उसका रेट कम होना चाहिए उसके रीजनरेशन रेट से, यानी जिस रेट से बनता है उसका मतलब उसका कंजम्पशन रेट कम होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन रेट कम होना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा एनवायरमेंट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कैरिंग कैपेसिटी उसकी हमेशा डैमेज, उसकी डिस्ट्रॉय होगी, उसकी रिड्यूस होगी अगर एक्सट्रैक्शन रेट ज्यादा हो उसकी रीजनरेशन रेट से। तो हम अगर मतलब अगर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है इसलिए एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, सप्लाई कम है जनरेशन कम है रीजनरेशन, तो एनवायरमेंट जो है अपने आप को दोबारा उस लेवल तक ला ही नहीं पाता जितना उसको कंज्यूम, जितना उसको यूज कर लेते हैं। तो हेल्दी एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है जो कैरिंग कैपेसिटी को बचा के रखना जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी अगर एनवायरमेंट की खराब होती है तो पोल्यूशन फैलेगा ही फैलेगा, डैमेज होगा ही होगा एनवायरमेंट का, इसीलिए इसको रिस्पेक्ट देने जरूरी है, इसकी वैल्यूएशन करना जरूरी है, इसकी वैल्यू इसको इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, यानी कि हमें जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है हमेशा कम रखना चाहिए उसके रीजनरेशन के रेट से, तभी हम एनवायरमेंट को बचा पाएंगे। इसका बी पार्ट जो 3 नंबर का है वह कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज अ नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर। गरीबों को पहचानने के लिए, गरीब पहचानने के लिए, गरीब की कैटेगरी पहचानने के लिए कैलोरी बेस्ड नॉर्म सही नहीं है, ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर, ठीक, ये जो कैलोरी बेस्ड चीज है ये सही मेजर नहीं है, ये सही स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये मेथड ना पुअर और वेरी पुअर में डिफरेंस नहीं बता पाता। अब पुअर के अंदर तो कई तरह के लोग हैं, एक बहुत गरीब होते हैं, एक गरीब होते हैं, एक ओकेजनली गरीब होते हैं, कभी कभार गरीब होते हैं, हर टाइम गरीब होते हैं, लेकिन कैलोरी के साथ ये पता लग सकता कि पुअर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीका है फूड पे खर्च करने का, कितनी कैलोरी एक आदमी एक दिन में खाता है, ये इनकम की तरह है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो पॉवर्टी के साथ दिखाई नहीं देती है कि पॉवर्टी में और भी चीजें होनी चाहिए, खाली कैलोरी नॉर्म्स क्यों, एजुकेशन है, हेल्थ है, मतलब अगर आदमी को एजुकेशन नहीं मिल पा रही ढंग से, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा, पानी पीने का नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ये चीजें गरीब की पहचान होनी चाहिए,
गरीब को आइडेंटिफाई करना है, गरीब वो है जो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती। बेसिक फैसिलिटीज सिर्फ खाना नहीं होता, खाने के अलावा कपड़ा तो है ही, साथ साथ हाउसिंग भी है, साथ साथ पानी पीने की पानी की सुविधा, उसके अलावा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मिलना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलना, ये सब भी होना चाहिए। सिर्फ कैलोरी के थ्रू अगर किसी को आइडेंटिफाई किया जाए पुअर को, वो तरीका सही नहीं है किसी भी पुअर को या पॉवर्टी लाइन को आइडेंटिफाई करने का। 33 क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दो क्वेश्चन और हैं, एक दो नंबर का, एक चार नंबर का। इसमें सेकंड आपका जो पार्ट में फर्स्ट पार्ट है वो है व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वुमेन कम क्यों होती है? वुमेन इस रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम इसलिए है क्योंकि जॉब्स के अंदर एक हाई स्किल और हाई लिटरेसी चाहिए होती है, जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो गैप है कि मेल्स को, लड़कों को पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। ये आज भी है, पहले के मुकाबले में कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। तो जब लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो फिर उनको अच्छी जॉब्स कहां से मिलेंगी? इसलिए रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में ऐसी मतलब लड़कियों की संख्या कम रहती है। उसके बाद मोबिलिटी की बात आती है कि वुमेन को रोका जाता है कि दूर जाके काम नहीं करना। तो मोबिलिटी की जो लैक है, यानी कि वुमेन के अंदर सोशल कॉन्स्टेंट्स की वजह से दूर जाके काम ना करना, ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से वुमेन की संख्या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम है। ठीक है, समझ गए? वुमेन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसलिए कम है क्योंकि एक तो हाई स्किल हाई लिटरेसी चाहिए, जो कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस शुरू से पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से उनको रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा काम नहीं मिल पाता, उनको इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ता है। और साथ साथ जो दूर जाने के काम करने की जो एक मौका मिलता है वो मेल तो अडॉप्ट कर लेते हैं, फीमेल सोशल कॉन्स्टेंट्स की वजह से नहीं कर पाती। बी सेकंड पार्ट जो इसका है ऑप्शन में, आपको एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न दे रखा है 93 से 2012 के बीच में, 93 का है, 99 का है और 2011 का है। प्राइमरी में 64% से कम होते होते 24% पे आ गया हमारा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी का 16 के बाद अब 24% पे आया है, जबकि सभी सेक्टर में 20, 23, 26 ये काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो आपको इसी को एनालाइज करना है। ये डाटा आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो वर्क फोर्स, काम करने वाले लोग जो प्राइमरी सेक्टर में है, वो लगातार बहुत कम हुआ है। 64% से हम 24% पे आ गए हैं। ठीक है, लगातार हर साल लगातार नीचे गिर रहा है, जबकि सेकेंडरी सर्विस सेक्टर का लगातार बढ़ा है। जो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है वो 16% से अब बढ़ते बढ़ते 25% पे आ गया, और सर्विस सेक्टर का 20% 27% पे आ गया। ये सब आप लिख सकते हो, एनालाइज करना है। ये सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस आया है, ये इंडिया की एक जर्नी दिखा रहा है कि किस तरीके से हमने जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंस है काफी कम की है और सर्विस सेक्टर की तरफ हम शिफ्ट हो गए। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। अब आता है आपका 34 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और साथ में रीजन बताना है। 34 का ए पार्ट, पैलेसिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया हैव ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द बॉटम ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। इंडिपेंडेंस के बाद से जो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है उसका असर, उसका फायदा हम पॉपुलेशन के सबसे निचले आदमी तक हम पहुंचा पाए हैं। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हम इसका फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ बड़ी है और अमीरी गरीब में डिफरेंसेस, यानी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो बहुत ज्यादा है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा भी मिला है वो सब लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से जो GDP का जो बेनिफिट है वो हम कंप्लीटली लोअर लेवल्स तक, यानी कि गरीब से गरीब लोग, गरीब से गरीब आदमी तक हम इसका फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ना या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होना और सबको फायदा ना पहुंचना, और इसकी वजह से जो सारे बेनिफिट्स हैं GDP की ग्रोथ के वो हम कुछ लोगों तक तो पहुंच जाता है पर हम इसको लोअर लेवल्स तक नहीं पहुंचा पाते। ठीक है, बी पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, जिसमें गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नजर आ रही है
क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज से होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, ये सब चीजें होती हैं। अगर आदमी एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इनोवेशन कर पाएगा, इन्वेंशन कर पाएगा और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर पाएगा, सब कुछ होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही देश में अगर एजुकेशन हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, हम हेल्दी बनते हैं, हमारी काम करने की पावर बढ़ती है, तो इससे इनोवेशन भी आएगी, इन्वेंशन भी आएगी, हमारी एबिलिटी जो है अडॉप्ट करने की वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट का है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से क्या नेशनल इनकम बढ़ती है क्या या नहीं होती है, ये उल्टा रिलेशन है, पर ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के साथ साथ नेशनल इनकम बढ़ती है, ये उल्टा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो नॉर्मली देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके आसपास सारी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी घूमती है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उतना ही हमारे देश के अंदर ये हेल्थ लेवल्स बढ़ेंगे, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, ये सब फायदे मिलेंगे, तो जिससे हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सब आपका पार्ट हो गए क्लियर। तो ये आपका पूरा पेपर, आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इस पार्ट में इंडियन डेवलपमेंट का हमने पूरा पार्ट खत्म कर लिया। अब आपका ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर खत्म कर दिया हमने, और अब नेक्स्ट क्लास से हम बिजनेस का, बिजनेस स्टडीज का जो सीबीएसई सैंपल पेपर है वो सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका अकाउंट्स का जो सैंपल पेपर है उसको दोबारा से रीडिस्कस करेंगे, रीसॉल्व करेंगे। तो जो जो लोग भी बना रहना चाहते हैं वो बने रहें और रेडी रहें आने वाली क्लासेस के लिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस के अंदर आपको पता है हम रिवीजन सीरीज लेके आएंगे एमसीक्यू के लिए। ओके, सो जो लोग भी अगर नए जुड़े थे इस आज की क्लास के अंदर वो सब्सक्राइब जरूर करना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाली क्लासेस के लिए बने रहे। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।